खरगोन जिले के सेगांव ब्लॉक में कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव से क्षेत्र में एक दिन में 16 कोरोना संक्रमित मरीज और एक व्यक्ति की मौत होने से प्रशासन बेहद अलर्ट हुआ। एसडीएम के साथ ही जिला प्रशासन सीईओ ने विभागीय समीक्षा बैठक ली। गुरुवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला पंचायत सीईओ गौरव बेनल के साथ एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने जनपद अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक ली, जिसमें क्षेत्र में अचानक कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा कर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही यह भी बताया कि अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो स्थिति आने पर समय और गंभीर हो सकता है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सेगांव के 16 लोगों के कोरोना में पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई है, जिसके चलते आनंद फानंद में व्यापारियों और नागरिकों ने अपना व्यापार 5 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया था। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। एकाएक 16 पॉजिटिव निकलने के बाद सर क्या प्लानिंग है प्रशासन की? सर देखिए, अभी जो 16 पॉजिटिव निकले हैं अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो लोग निकल के आते हैं उनका सैंपल होता है, उनको क्वारंटीन किया जाता है 14 दिन के लिए, तो वो पूरी कार्रवाई होगी और अधिक से अधिक कोशिश की जाएगी कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, उनका सैंपल लिया जाए और अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर आगे वैसी उसकी प्रक्रिया होगी। क्या नाम लिखते सर? गौरव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।